ये है हमारी स्टॉपवॉच, जिसका काम है टाइम इंटरवल को एक्सपेरिमेंट में मेज़र करना, खासकर सिंपल पेंडुलम के या स्प्रिंग मास सिस्टम के कुछ एक्सपेरिमेंट करते समय हम इसको यूज़ करते हैं। इसमें दो लीवर्स होते हैं, एक लीवर जो इसको स्टार्ट करने के लिए होता है और दूसरा लीवर जो नीडल को वापस ज़ीरो पे लाने के लिए यूज़ होता है। ठीक, अगर आप इस लीवर को नीचे कर रहे हैं तो ये रुक जाएगी और अगर आप इस लीवर को यूज़ करेंगे तो ये वापस ज़ीरो पर इनिशिएट हो जाएगी। अब इसको रीड कैसे करते हैं? लीस्ट काउंट किसी भी एपरेटस के मेज़रमेंट के लिए सबसे पहला काम है, तो लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने के लिए हम इसे ऑब्जर्व करेंगे। इसके स्केल को देखो, इसके स्केल में ये जो 60 सेकंड्स लिखा हुआ है ये 60th सेकंड भी है और ये ज़ीरो भी है स्केल का, तो 0 से 5 सेकंड्स के बीच में कितने डिवीजन्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 डिवीजन्स आर इक्वल टू 5 सेकंड्स, सो 1 डिवीज़न विल बी इक्वल टू 5/10 सेकेंड्स एंड वैल्यू ऑफ 1 डिवीज़न ऑफ द एपरेटस, एक डिवीज़न एपरेटस का जो भी रीड करता है वही उसका लीस्ट काउंट होता है। तो हम इसके लीस्ट काउंट को कैसे लिखेंगे? लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच इज टेन डिवीजन्स की वैल्यू है 5 सेकेंड्स, तो 1 डिवीज़न की वैल्यू हो जाएगी 5/10, दैट इज 0.5 सेकेंड्स। और क्योंकि लीस्ट काउंट 1 डेसिमल प्लेस तक है तो हमें ध्यान रखना है कि जो भी रीडिंग हम इससे लेंगे वो 1 डेसिमल प्लेस तक ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और यहाँ 5 लिखा था और एक छोटा और एक बड़ा, इस तरीके से स्केल कैलिब्रेटेड थी। तो 10 डिवीजन्स 5 सेकेंड के बराबर थे और यहाँ 0 नहीं लिखा है, 60 लिखा हुआ है, पर ये 60 सेकेंड्स या 0 सेकेंड्स का ये वाला डिवीज़न है, इनिशिएट हो रहा है। ठीक, तो लीस्ट काउंट हो गया 0.5 सेकेंड्स। अब जब हमें इस स्टॉप वॉच को रीड करना है तो देखो क्या करेंगे। मान लो हमको इसमें किसी पेंडुलम के 10 ऑसिलेशंस का टाइम रिकॉर्ड करना है, तो हमने इसको इनिशिएट किया, ज़ीरो पे इसकी नीडल को रखा और उसके बाद हमने इसको ऑन कर दिया और काउंट किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10th ऑसिलेशन काउंट करते ही हमने इस लीवर को नीचे कर दिया तो हमारी रीडिंग यहाँ पर फ्रीज हो जाएगी। फिर से एक बार देखिए, इसको इनिशिएट किया, पहले इनिशियलाइज़ किया और उसके बाद जब हम काउंट करने के लिए रेडी हुए तो इसको ऑन करेंगे और एक ऑसिलेशन पूरा होने पर 1, दूसरा पूरा होने पर 2, इस तरीके से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और जैसे ही 10th ऑसिलेशन हमने काउंट किया, हमने लीवर नीचे कर दिया, हमारी रीडिंग यहाँ पर फ्रीज हो गई। अब रीडिंग पढ़ने के लिए हमने ये काउंट किया कि कितने डिवीजन्स पर पॉइंटर है, तो हम देखेंगे कि ये 0th लाइन थी और उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 40th लाइन और 15th लाइन के बीच में ये पॉइंटर है। तो हम मान लेंगे कि हम हर ऐसी सिचुएशन में जो पहली रीडिंग है उसको काउंट करेंगे, तो 0 से ये 10 लाइंस और फिर 11, 12, 13, 14, 14th डिवीज़न हमारी रीडिंग है। तो एक डिवीज़न की वैल्यू है 0.5 सेकेंड, तो 14 डिवीज़न्स की वैल्यू हो जाएगी, हम लिखेंगे रीडिंग ऑफ स्टॉपवॉच इज़
14th डिवीज़न पर पॉइंटर था, तो 14 इंटू लीस्ट काउंट यानी एक डिवीज़न की वैल्यू, दैट इज 7 सेकेंड्स हमारी रीडिंग थी। पर डेसिमल के एक प्लेस तक लिखेंगे क्योंकि लीस्ट काउंट डेसिमल के एक प्लेस तक है, तो हम कभी भी 7 सेकेंड्स इस तरीके से रीडिंग मेज़र करके नहीं लिखेंगे, हमेशा 7.0 सेकेंड्स। तो लीस्ट काउंट के अकॉर्डिंग रीडिंग लिखना मस्ट है, नहीं तो मार्क्स प्रैक्टिकल में ऑब्जर्वेशन में डिडक्ट होंगे। तो ये तरीका है आपकी रीडिंग लिखने का, किसी भी एपरेटस से रीडिंग लेनी है तो पहले लीस्ट काउंट, उसके बाद आप देखो कि किस नंबर ऑफ डिवीज़न पर आपका पॉइंटर है, उस नंबर को आप लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो। लॉजिक बिहाइंड इट कि अगर एक डिवीज़न की वैल्यू इतनी है तो 14 डिवीज़न्स की वैल्यू ऑब्वियसली 14 इंटू वैल्यू ऑफ वन डिवीज़न, और हमेशा लीस्ट काउंट के अकॉर्डिंग डेसिमल के उतने प्लेसेस तक रीडिंग लिखना ज़रूरी है। तो ये हो गया आप स्टॉपवॉच कैसे यूज़ करेंगे और कैसे रीड करेंगे।